हम अक्सर एक दूसरे को कहते मिलते हैं कि यार ये क्या हो गया, तुम्हारे बाल क्यों सफेद होते जा रहे हैं? अब अरे भाई देखो जरा क्या बात है भाई, बाल सफेद तो क्या, ये झुर्रियां भी थोड़ी थोड़ी पड़ने लग गई हैं, अभी तो जवानी के दिन है भाई, मौज कर लो। फ्रेंड्स ये देख लो कि ये छोटी छोटी झुर्रियां, रिंकल्स आप देख लो। वैसे मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करता हूँ, 1 साल के अंदर बीमार होने की एवरेज वहां पे 1 से लेकर 2 बारी है। हम यहाँ पर अपने कंट्रीज के अंदर रह के 1 साल में 5, 6, 8, 10 बारी बीमार पड़ते हैं, और 5, 5, 6, 6 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर भागने लग जाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर भागने लग जाते हैं। तो मतलब हमको ये पता नहीं लगता कि ये छोटी छोटी बीमारियां, कोई नहीं यार हल्का सा जुकाम लगा है, ये हल्का सा भी यार आजकल मौसम बदला ना, वो थोड़ा सा गर्म सर्द हो गया, ये गर्म सर्द, मौसम बदलाव, जुकाम, कोई वायरल फीवर और इस तरह की चीजें लगातार हमारे को इफेक्ट करती रहती है। कोई कहता है यार वो मैंने थोड़ा सा पतला होना है यार, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, कोई मोटा है तो उसको पतला होना है, कोई पतला है तो उसको मोटा होना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ बैठ के, मैं बहुत लोगों के संपर्क में आता हूँ, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे को कॉल भी करते हैं, बात भी करता हूँ, ये रोजाना की प्रॉब्लम है, ये आज की नहीं है, और मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ कर। और इसके जरिए आता है प्री मेच्योर एजिंग। प्री मेच्योर एजिंग यानी कि 25-30 साल की उम्र के अंदर बाल सफेद होना, 25-30 साल की उम्र में एक अनायास कमजोरी आना, या 30-35 साल की उम्र में कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी नजर आना, किसी को डायबिटीज हल्की हल्की हो जाना, किसी को शुगर बढ़ी हुई आना, ये है रोज की प्रॉब्लम्स। आप सोच सकते हो क्या आपको देती है ये पर्यावरण आपको क्या दे रहा है? और एक बराबर नहीं मिलेगा, ये सब में अलग अलग होगा, कोई बूढ़ा जल्दी हो रहा है, किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को हल्की आर्थराइटिस है, किसी को फ्लू रहता है, किसी को जुकाम रहता है, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है। हर आदमी अपने अपने तरीके से सफर कर रहा है, और ये देखिए किसी के महीन रेखाएं, झुर्रियां पड़ रही हैं, किसी का त्वचा पे अलग असर हो रहा है, ढीली त्वचा हो रही है, या त्वचा में वो चमक ही नहीं रही है, या कहते हैं यार यार वो यार वो जो तुम्हारा वो था ना पहले चेहरा, या जो जो नजर आता था चमकता हुआ, वो यार आ नहीं रहा, क्या बात क्या है यार, ये जल्दी बुढ़ापा आ कहाँ से गया? सोचिए फ्रेंड्स, आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं दार्जुम 9 को एक पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक अलग जगह पर लाके खड़ा कर रहा हूं, जहां पर कि सिर्फ दर्जु 9 को ये ख्याल है, हमारे पास जितने प्रोडक्ट हैं प्री मेच्योर एजिंग के, उतने मेरे ख्याल किसी एक कंपनी के पास मिलाकर नहीं होंगे, किसी एक कंपनी के पास मिलाकर नहीं होंगे। और एक कंपनी जो कि लगातार इस मुद्दे को एड्रेस कर रही है कि किस तरीके से हम अपने लोगों की सेहत अच्छी करें, उसका नाम ही है, मेरे को दोस्तों ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि एक ऐसी कंपनी के अंदर हम सब बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, जो कि हमको रात दिन ऐसे प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में रख रही है जो कि हमारी हेल्थ का पूरा ख्याल रख सके। और ये देखिए, ये शारीरिक प्रभाव, तरह तरह के कमजोर पतले हाल, सूर्य के प्रभाव के धब्बे, सूखी खुजली वाली त्वचा, अनियंत्रित बाल झड़ना, नींद की आदत में बदलाव, फ्रेंड्स, और आपको मैं कह सकता हूं कि अगर आप सोचें कि मैं जल्दी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हूं, तो सोचो अगर आपकी चाल कम हो गई है 40 से पहले, 40 की उम्र में अगर आप धीरे चलने लग गए हैं, सन स्पॉट आ गए हैं, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद नहीं रहती, जोड़ों में हल्का हल्का दर्द रहने लग गया है, मैं यही कहूंगा कि आपको, आप उस बुढ़ापे की ओर अग्रसर है, और आपके हैं शरीर में आप मोटे होते जा रहे हैं, हल्के हल्के रूखी त्वचा है, कमजोर ग्रिप नहीं रहती। और एक बड़ी बड़ी अजीब चीज जो आदमी लोगों को लोग सफर करते हैं, वो है कि वो एंथुजियास्टिक सेक्स ड्राइव, सेक्स एक प्लेजर है, सेक्स एक वो इनर मोटिवेशन है
किसी भी सेक्स की, सेक्स एक जरूरत है हर एक आदमी, हर एक औरत, और वो ड्राइव ही नहीं रहती। वो ख्याल आदमी को बार बार आता है कि यार क्या बात है, मेरा ख्याल मैं उतनी अच्छी तरह अपना शरीर को नहीं रख पा रहा हूं जितनी पहले रखता था। फ्रेंड्स, ये इसी चीज को एड्रेस करने के लिए आज मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए हूं यहाँ पे। और आइए थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम अपना ये सारा जो प्रॉब्लम है इसको अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखें। और एक प्रोडक्ट जिसके थ्रू कह लीजिए दर्जो 9 के पूरी रेंज के अंदर रिवोल्यूशन आ गया, उसका नाम है ओमनी सेल टेक। ये ओमनी सेल है, ये है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स पहले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले देखें, यहां नहीं आया था, भारत में नहीं आया था, लेकिन स्टेम सेल को जाना गया था कि स्टेम सेल एक ऐसी चीज है जो कि मां के पेट से बच्चे के अंदर जाती है और बच्चे के अंदर जाके हर अंग बनाती है। और ये स्टेम सेल्स को जाना गया था, और फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गए जो कि क्या करते थे कि जो बच्चे के पैदा होते ही जो बच्चेदानी का पार्ट निकलता था, अभी ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो उस बच्चेदानी को फ्रीज करके -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अपने पास रखते हैं ताकि बड़ा होके बच्चे को कोई क्रॉनिक बीमारी लगे तो उस बच्चेदानी के पार्ट में से स्टेम सेल निकाल कर हम बच्चे को, उस आदमी को फिर दे सकें और वो देकर उसकी क्रॉनिक बीमारी को ठीक कर सकें। यहां तक पहुंची थी ये स्टेम सेल्स की लड़ाई। और फिर आ गई स्टेम सेल्स के साथ ही ये चीज कि हमारे अंदर ही नहीं, पौधों में भी स्टेम सेल होते हैं। तो फिर फाइंड आउट करने की कोशिश हुई कि ये फाइंड आउट किया गया कि एक एप्पल की वैरायटी है, स्विस एप्पल, स्विट्जरलैंड के अंदर एक एप्पल है मोलस डोमेस्टिकस, और वो जो एप्पल है वो मुरझाता नहीं है, उसको जितनी देर भी हम रखे रखें पैपल को, उसको कुछ होता नहीं, बिल्कुल ठीक रहता है। और उसके बारे में फाइंड आउट किया गया तो देखा गया कि उसके अंदर ऐसे सेल हैं जो कि अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं कि अगर वो हमारे शरीर के अंदर डाले जाएं तो वो हमारे शरीर के अंदर एजिंग के खिलाफ, जैसे उम्र का टाइम से पहले बढ़ने के खिलाफ लड़ते हैं और हमें बहुत अच्छा बेनिफिट पहुंचाते हैं। ये है उन प्लांट के, वो एप्पल की वैरायटी के जो स्टेम सेल्स हैं उनसे जो निकले हुए जो कण थे उन्होंने ये क्वालिटी पाई गई। और ये क्वालिटी तो क्या, ये किया गया कि उन कणों को इस तरीके से बनाया गया कि हम वो कण, अब एप्पल मिले ना मिले लेकिन वो कण हम अपने लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। ये भी एक चीज फाइंड आउट की गई और ये ओमनी सेल टेक के अंदर आज हमने, हमारे पास है, हम उसका फायदा उठा रहे हैं, आपके सामने है, एक वादा है, एक प्रॉमिस है जो कि ये प्रोडक्ट हमको देता है। और इसके अंदर सिर्फ एप्पल के स्टेम सेल नहीं, इसके अंदर एक अंगूर की वैरायटी भी है विटिस विनिफेरा, उसके सेल स्टेम सेल भी इसके अंदर हैं। और ये हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे काम करता है जो कि पहले हम नहीं कर पाते। और ओमनी सेल एक प्रोडक्ट है हमारे पास आने के बाद, तो हमारे पास एक एंटी एजिंग के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको और अच्छी तरह हम लड़ पा रहे हैं और अच्छी तरह उस चीज को हम देख पा रहे हैं कि कैसे हम ओमनी सेल टेक के, ओमनी सेल के जरिए हम उन बीमारियों से, जैसे त्वचा के ऊपर झुर्रियां जल्दी आनी शुरू हो गई, त्वचा के ऊपर रूखापन है, चमक नहीं है, त्वचा जो है ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, और त्वचा के ऊपर हो सकता है आपके एक्जिमा या और जैसी क्रॉनिक बीमारियां भी हो जाएं, तो ऐसी चीजें भी अगर आ जाती हैं और इन चीजों, ये चीजें बहुत बढ़ गई हैं, त्वचा के ऊपर आपका सूरज का असर बहुत जल्दी होता है और आपकी त्वचा बहुत जल्दी ही मुरझाई सी लगने लग जाती है, तो ऐसे में हमारे पास एक प्रोडक्ट एक ऐसा आ गया है जो कि हम उसको लेकर अपने शरीर के अंदर वो बदलाव महसूस कर सकते हैं जो कि हम आज से पहले
वो बदलाव जो हमारे पास नहीं था। हम देखते थे मालिश कर लो और चीजें इस्तेमाल कर लो, डाइट को अच्छा कर लो, लेकिन किसी भी तरीके से सफलता मिलती नहीं। लेकिन आज ओमनी सेल टेक जैसा प्रोडक्ट आकर हमारे पास बहुत सारे वो विकल्प हमारे पास खोल दिए हैं इसने, कि हम उन तरीकों से अपने शरीर को और अच्छा कर सकते हैं। और हमारी एंटी एजिंग के खिलाफ लड़ाई, जो एंटी एजिंग, जो हमारे को बिना हमारे किसी कसूर के, आप ये देखिए कि आज पर्यावरण पूरा खराब है, हाँ हम भी उसके पार्ट हैं। पर्यावरण इतनी बुरी तरीके से खराब हुआ हुआ है, लेकिन हम उसको भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, उसको भी उसके अंदर भी हिस्सा लेना चाहेंगे, लेकिन उस चीज को हिस्सा लेने के लिए हमको अपना शरीर तो अच्छा चाहिए ना, हमको अपना कम से कम अपनी बॉडी एकदम परफेक्ट चाहिए, हमको यंग रहना है, अपनी यंग बॉडी के जरिए अगर हम अपने पर्यावरण के अच्छा होने के लिए लड़ाई अगर लड़ेंगे तो शायद और अच्छी तरह लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, ओमनी सेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके पास है आज, और इस चीज का मैं रियली कहता हूं, मैं गर्व महसूस करता हूं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास होके आपको बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स के अंदर विकल्प देता है कि आप किस तरीके से एक अच्छी बेहतर जिंदगी अच्छी तरीके से जी सकते हैं। और